नस्लें। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था भैंस की नस्लें, तो यहाँ पर अपन आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो देखते हैं बैड की नस्लें। सबसे पहले बात करूंगा मैं बैड का जूलॉजिकल नेम। किसकी बात करनी है अपने को? बैड के जूलॉजिकल नेम की। तो जो बैड का जूलॉजिकल नेम है वो क्या होता है? ओविस एलिस। क्या होता है? ओविस एलिस। ओविस एलिस। बात करते हैं साथ ही फैमिली की, तो ये भी किस कुल, भाई सिंपल सी बात है, गाय भैंस भेड़ बकरी चारों ही किस कुल के अंतर्गत आते हैं? बोविडी के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं? बोविडी के अंतर्गत आते हैं। विश्व में भेड़ की कितनी नस्लें पाई जाती है? क्वेश्चन से यहां नेक्स्ट बनता है कि विश्व में भेड़ की कितनी नस्लें पाई जाती है? तो आपको बताना है 200 नस्लें पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 200 नस्लें पाई जाती हैं। बात कहाँ की कर रहे हैं? विश्व की कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही आपको पूछा जाएगा भारत में, विश्व में तो कितनी नस्लें? 200 नस्लें, लेकिन भारत की बात करें तो भारत में भेड़ की कितनी नस्लें पाई जाती हैं? 42 नस्लें पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 42 नस्लें पाई जाती है। और साथ ही मैं बात करता हूं अपने राजस्थान की, राजस्थान में भेड़ की कितनी नस्लें पाई जाती है? 8 नस्लें पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है? 8 नस्लें पाई जाती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं राजस्थान को क्या कहते हैं? भेड़ों का घर कहते हैं। क्या कहते हैं? भेड़ों का घर कहते हैं। किसको? राजस्थान को, क्योंकि राजस्थान में जो भारत में पाई जाने वाली भेड़ है उनमें मुख्य मुख्य राजस्थान में पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण से क्या कहते हैं? यानी भेड़ों का घर कहते हैं, ठीक है। अब ये तो जनरल चीजें थी, जनरल चीजें मैंने आपको बता दी। इसके बाद में मैं आपको डायरेक्ट बात करते हैं अपन भेड़ की, कौन सी नस्ल की? मारवाड़ी की। इस नस्ल के ऊपर बात कर रहे हैं, मारवाड़ी नस्ल की बात कर रहे हैं। देखो मारवाड़, मारवाड़ का मतलब जोधपुर, मारवाड़ का मतलब क्या है? जोधपुर। तो मूल स्थान है, उत्पत्ति स्थल क्या आ गया? जोधपुर आ गया। क्या आ गया? जोधपुर या मारवाड़। सिंपल सी याद रखो आप, तो ये मारवाड़ का मतलब क्या होता है? जोधपुर होता है। तो इसका जो मारवाड़ी है, इस मारवाड़ी का जो मूल स्थान आया वो मूल स्थान कौन सा आ गया? जोधपुर आ गया। इसके बाद में बात करते हैं इसकी शारीरिक विशेषताओं की, शारीरिक विशेषताओं की अपन बात कर रहे हैं। तो देखो जो भेड़ है, मारवाड़ी भेड़ की नस्ल है, इस भेड़ का जो शरीर होता है वो क्या होता है? मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। तो शरीर मजबूत, शरीर किस प्रकार का हो गया? मजबूत हो गया। फिर बात करते हैं चेहरा, चेहरा किस रंग का होता है? तो चेहरे का जो कलर होता है वो चेहरे का कलर कैसा होता है? काला होता है। चेहरे का कलर कैसा होता है? काला। तो शरीर मजबूत, चेहरा काला, पूंछ छोटी। पूंछ कैसी होती है? छोटी होती है, पूंछ छोटी। सींग रहित, यानी मारवाड़ी नस्ल में सींग नहीं पाए जाते। तो सींग रहित, शरीर मजबूत हो गया, पूंछ छोटी हो गई, सींग रहित हो गया, फिर चेहरा कैसा हो गया? काला हो गया। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता की, इसमें क्या होता है? गर्म और ठंडा मौसम सहन करने की क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो यहां बता दीजिए, गर्म व ठंडा मौसम सहन करने की क्षमता अधिक, सहन करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है इसमें, मारवाड़ी में, ठीक है। मारवाड़ी में क्या होता है? गर्म व ठंडा मौसम सहन करने की क्षमता होती है। फिर बात करते हैं कान, जो छोटे कान क्या होते हैं? छोटे व अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट विशेषता के अंतर्गत अपन ने देखा कान छोटे व अंदर की तरफ मुड़े हुए, अंदर की तरफ मुड़े हुए। साथ ही एक विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट और बता देता हूं, यानी भेड़ की ऐसी नस्ल कौन सी है जो निष्क्रमण के लिए जानी जाती है?
किसके लिए? निष्कर्मण के लिए जानी जाती है। निष्कर्मण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए, जैसे भेड़ चराने आते हैं ना, तो वैसे क्या निष्कर्मण बहुत लंबी दूरी तय कर सकती है, तो वो निष्कर्मण यानी के लिए कौन सी महत्वपूर्ण होती है? मारवाड़ी नस्ल होती है। ठीक है, चलो बात करते हैं मारवाड़ी की उपयोगिता की। मारवाड़ी की उपयोगिता अपन देखते हैं, तो देखो यहाँ से अपने को 1.5 से 2.5 kg ऊन प्राप्त होती है। कितनी ऊन प्राप्त होती है? 1.5 से 2.5 kg ऊन प्राप्त होती है, यानी 1.5 से 2.5 kg ऊन प्रति वर्ष, ऊन प्रति वर्ष, यानी एक साल में आपको 1.5 से 2.5 kg ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरी चीज यानी इसकी वार्षिक जन्म दर देखें अपन, क्या देख रहे हैं? वार्षिक जन्म दर अपन देख रहे हैं, तो वार्षिक जो जन्म दर होती है वो 90% होती है। कितनी होती है? 90% होती है। जन्म दर ना बोल के जीवित दर बोलो, क्या बोलना है? जीवित दर, वार्षिक जीवित दर, यानी 90% बेटे क्या होती है? जीवित रहती है। 10% बेटे क्या हो जाती है? मर जाती है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड नस्ल अपन देखते हैं चोकला, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नस्ल, कौन सी? चोकला। चोकला का जो मूल स्थान है वो आपके शेखावाटी क्षेत्र है। कौन सा है? शेखावाटी क्षेत्र। और शेखावाटी का मतलब चूरू, झुंझुनू, सिक्का, चोरू, झुंझुनू, सिक्का, ये तीनों जिले किसके अंतर्गत आते हैं? शेखावाटी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो मूल स्थान है, उत्पत्ति स्थल आया, वो क्या आ गया? शेखावाटी क्षेत्र आ गया। ठीक है, उसके बाद में इसको किस किस नामों से जाना जाता है? उपनाम, यानी जो चोकला है इस चोकला को किस नामों से जाना जाता है? तो एक तो देखो शेखावाटी के नाम से जाना जाता है, यानी इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? शेखावाटी है, तो शेखावाटी के नाम से ही जानी जाती है। तो पहला जो इसका उपनाम आया वो अपने पास में क्या आया? शेखावाटी। उसके बाद में दूसरे उपनाम की बात करें तो इसको छापर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? छापर के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद में इसे राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं, राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं, क्योंकि जो मेरिनो नस्ल है उसकी ऊन बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। वैसे ही अपने राजस्थान की जो चोकला नस्ल है उसकी ऊन भी क्या होती है? बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, जिसके कारण से अपन ने क्या कहते हैं इसको? राजस्थान की मेरिनो। दूसरा उपनाम क्या देखा? छापर। और तीसरा उपनाम क्या देखा? शेखावाटी। तो शेखावाटी आ गया, छापर आ गया, और राजस्थान की मेरिनो आ गई। ठीक है, चलो इसके बाद देखो इसकी विशेषता। नेक्स्ट देखना है अपने को जो चोकला नस्ल है उसकी विशेषताएं। विशेषता के अंतर्गत देखो सबसे पहले विशेषता आप बता दो, शरीर मध्यम आकार का। शरीर कैसा होता है? मध्यम आकार का, वह वर्गाकार होता है। तो शरीर मध्यम आकार का, शरीर मध्यम आकार का वर्गाकार, यानी वर्गाकार रूप में उपस्थित होती है, वर्गाकार रूप लिए हुई होती है। तो शरीर मध्यम आकार का वर्गाकार होता है। फिर बात करते हैं पूंछ, यानी पूंछ कैसी होती है? तो पूंछ क्या होती है? मध्यम आकार की होती है, यानी मध्यम आकार की होती है, थोड़ी सी पतली होती है। तो पूंछ पतली व मध्यम आकार की, पूंछ पतली व मध्यम आकार की होती है। किस आकार की होती है? मध्यम आकार की होती है। तो दूसरा जो इसका शारीरिक विशेषता आपने देखी वो आपने पास में क्या आ गई? पूंछ पतली व मध्यम आकार की। फिर बात करते हैं इसके चेहरे का जो रंग होता है वो चेहरे का रंग कैसा होता है? तो चेहरा भूरा या काले रंग का, चेहरा भूरा या काले रंग का होता है। चेहरे का रंग कैसा होता है? भूरा या काले रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं रोमन नाक। नाक कैसी होती है? रोमन नाक होती है।
अब ये रोमन नाक क्या होती है, तो जो तोतामुखी तोतामुखी जो यानी तोते के समान जो नाक होती है वो तोतामुखी नाक के क्या कहलाती है, रोमन नाक कहलाती है। तो नाक कैसी होती है, रोमन प्रकार की। और उसके बाद बात कर लेते हैं सींग रहित नसल, इसमें भी सींग नहीं पाए जाते, मारवाड़ी में भी नहीं थे और चोपला में भी नहीं है। तो सींग रहित नसल, शरीर मध्यम आकार का, वर्गाकार, पूंछ पतली व मध्यम आकार की, चेहरा भूरा या काले रंग का, रोमन नाक सींग रहित। रोमन नाक मेरी इंपोर्टेंट इसकी शारीरिक विशेषता, ठीक है। चल अब बात करते हैं इसकी उपयोगिता की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी उपयोगिता की। उपयोगिता मोस्ट इंपोर्टेंट उपयोगिता आएगी, क्यों, क्योंकि इसके जो जो ऊन होती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। क्या होता है, ऊन बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है जिससे गलीचा बनाया जाता है। तो कितनी ऊन प्राप्त होती है, वही डेढ़ से ढाई मारवाड़ी के बराबर प्राप्त होती है, डेढ़ से ढाई केजी ऊन प्रति वर्ष, ठीक है। फिर बात करते हैं ऊन उत्तम गुणवत्ता की, ऊन कैसी होती है, उत्तम गुणवत्ता की। और उत्तम गुणवत्ता की ऊन होने के कारण इससे क्या बनाया जाता है, गलीचा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, इससे गलीचा बनाया जाता है। तो ऊन अपने को कितनी मिली, डेढ़ से ढाई के जी ऊन अच्छी क्वालिटी की होती है, जिसके कारण से क्या कहा था, राजस्थान की मेरिनो कहा था। और इससे क्या बनाया जाता है, गलीचा बनाया जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं तीसरी नस्ल जैसलमेरी। तीसरी नस्ल अपने पास में कौन सी आ जाती है, जैसलमेरी। जैसलमेरी ओरिजिन प्लेस जैसलमेरी, बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसलमेरी नस्ल है वो, जैसलमेरी नस्ल कहाँ की है, जैसलमेर की है, ठीक है। विशेषताएं नेक्स्ट अपन इसमें क्या देख रहे हैं, इसकी शारीरिक विशेषता देख रहे हैं। तो इसका जो शरीर होता है वो सुदृढ़ होता है, शरीर कैसा होता है, सुदृढ़ होता है, हष्ट पुष्ट होता है, बड़े आकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ शारीरिक विशेषता के अंतर्गत बता दीजिए, शरीर सुदृढ़, शरीर सुदृढ़, हष्ट पुष्ट व बड़े आकार का, हष्ट पुष्ट व बड़े आकार का क्या होता है, इसका शरीर होता है। एक तो हष्ट पुष्ट हो गया, सुदृढ़ हो गया और बड़े आकार का हो गया। चेहरे का जो रंग होता है वो या तो भूरा होगा या काला होगा, चेहरे का रंग कैसा होता है, या तो भूरा या काला, भूरा या काला, चेहरे का रंग कैसा आ गया, भूरा या काला आ गया। लंबे कान, कान क्या होते हैं, लंबे होते हैं, कान लंबे। उसके बाद बात करता हूं वापस रोमन नाक, वापस जो संस में आ रहा है रोमन नाक, ये रोमन नाक चोपला, रोमन नाक जैसलमेरी, दो चीजें आपके पास में आ गई रोमन नाक के, कि एक तो आपके जैसलमेरी की रोमन नाक कैसी होती है, यानी रोमन नाक होती है, और दूसरी चोपला की नाक कैसी होती है, रोमन होती है। दोनों ऑप्शन आपके पास में आ जाए तो अब क्या करना है, तो सबसे पहले तो जैसलमेरी बताना है, कौन सी बताना है, जैसलमेरी बताना है, और उसके बाद में दूसरा जो दूसरी जो आता है वो कौन सी आती है, अपने चोपला नस्ल आती है, ठीक है। फिर बात करते हैं ये भी सींग रहित है, किस प्रकार की है, सींग रहित है, यानी अभी तक अपन ने तीन नस्लें पढ़ी, वो तीनों ही नस्लें किस प्रकार की है, सींग रहित है, ठीक है। चल अब बात करता हूं मैं इसकी उपयोगिता की, उपयोगिता। देखो इसको दोनों दो चीजों के लिए पाली जाती है, एक तो ऊन के लिए पाली जाती है, किसके लिए पाली जाती है, ऊन के लिए पाली जाती है, दूसरा इसको मांस के लिए भी पाला जाता है, किसके लिए पाला जाता है,
मांस के लिए भी पाला जाता है, तो ऊन व मांस उत्पादन के लिए, किसके लिए? ऊन व मांस उत्पादन के लिए इसको पाला जाता है। यहां से अपने को जो ऊन प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 1.8 से 3.2 केजी ऊन। कितने ऊन प्राप्त होती है? 1.8 से 2 यानी 3.2 केजी ऊन प्रति वर्ष यहां से अपने को प्राप्त होती है। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नस्ल के ऊपर, और नेक्स्ट नस्ल ले लेते हैं अपन मालपुरा। कौन सी नस्ल ले लेते हैं? मालपुरा नस्ल ले लेते हैं। मालपुरा कहां पर है? टोंक में है। तो ओरिजिन प्लेस क्या हो गया? मालपुरा टोंक ही हो गया। क्या हो गया? मालपुरा टोंक हो गया इसका ओरिजिन प्लेस। ठीक है, यानी उत्पत्ति स्थल या मूल स्थान क्या हो गया? मालपुरा टोंक हो गया। फिर बात करता हूं मैं इसकी विशेषताओं की, शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत देखिए शरीर क्या होता है? मजबूत व गठीला होता है। शरीर क्या होता है? मजबूत व गठीला। तो बता दीजिए शरीर मजबूत व गठीला, शरीर मजबूत व गठीला, मध्यम आकार का। कद कैसा होता है? मध्यम होता है। तो कद मध्यम, या डायरेक्ट लिख दीजिए मध्यम आकार का। भाई शरीर मजबूत हो गया, गठीला हो गया, कद कैसा हो गया? मध्यम हो गए। कान छोटे व बूढ़े हो गए। कान किससे होते हैं? छोटे व बूढ़े हुए होते हैं। तो बता दीजिए कान छोटे व बूढ़े हुए, कान छोटे व बूढ़े हुए, और उसके बाद में वही चेहरे का रंग कैसा होगा? वही क्या होता है? या तो भूरा होगा या काला रंग का होगा। तो चेहरे का रंग भूरा या काला, चेहरे का रंग कैसा हो गया? भूरा या काला हो गया। तो देखो यहां पर वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूं, मालपुरा टोंक इसका ओरिजिन है। विशेषताओं के अंतर्गत देखा शरीर मजबूत व गठीला होता है, कद कैसा होता है? मध्यम होता है, कान छोटे व बूढ़े हुए होते हैं, चेहरे का रंग कैसा होता है? भूरा या काला होता है। और जो नेक्स्ट विशेषताओं के ऊपर यदि बात की करें अपन, तो वही सींग रहित नसल कैसी होती है? सींग रहित नसल, यानी अभी तक चारों नस्लें अपन ने पढ़ी वो कैसी है? सींग रहित ही है। ठीक है, उसके अलावा जो मुंह है, पैर और टांग होती है उनके ऊपर ऊन नहीं पाई जाती। मुंह है, पैर और चेहरे पर ऊन नहीं पाई जाती। ठीक है, यानी मुंह पर भी, यानी मुंह पर भी ऊन नहीं होती है, पैरों पर भी ऊन नहीं होती है, और जो चेहरा होता है इसका, इसके ऊपर टोटल के ऊपर मुंह के साथ में टोटल अपन बात करते हैं तो उसके ऊपर ऊन नहीं पाई जाती। ठीक है, चलो देखते हैं इसकी उपयोगिता। नेक्स्ट उपयोगिता, और उपयोगिता में देखो इसको मोस्टली मांस के लिए पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है? मांस के लिए पाला जाता है। तो बता दीजिए मुख्यतया मांस के लिए पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है? मांस के लिए पाला जाता है। अब कुछ कंडीशन में यहां से ऊन भी अपने को प्राप्त हो जाती है। तो ऊन कितनी प्राप्त होती है? 1 से 1.5 केजी ऊन। कितनी प्राप्त होती है? 1 से 1.5 केजी ऊन प्राप्त होती है अपने को प्रति वर्ष। और जो ऊन होती है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, यानी क्या होती है? मोटी किस्म की होती है। ऊन कैसी होती है? मोटी किस्म की होती है, जिसके कारण से इसे नंबे बनाए जाते हैं। ऊन ऊन मोटी किस्म की, और मोटी किस्म की होने के कारण इससे क्या बनाए जाते हैं? नंबे बनाए जाते हैं। गलीचे किससे बनाए? चोकला की ऊन से। नंदे किससे बनाए? मालपुरा की ऊन से बनाए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर, जो भी आपकी कौन सी थी, शायद 5 में आएगी। कौन सी? नेक्स्ट देख लेते हैं कराकुल।
कौन से नस्ल देख लेते हैं, कराकुल नस्ल देख लेते हैं। यहाँ की नहीं है भाई, अपने भारत की नहीं है, विदेश की है। तो यहाँ पर इसका जो ओरिजिन प्लेस आएगा वो कौन सा होगा, मध्य एशिया आएगा। कौन सा आएगा, मध्य एशिया आएगा। आपके सिलेबस में आपके कराकुल नस्ल भी बता रखी है। तो यहाँ पर देखिए कराकुल का ओरिजिन प्लेस क्या आ गया, मध्य एशिया आ गया। फिर बात करते हैं शारीरिक विशेषताओं की, ठीक है। तो जो शारीरिक विशेषताएं हैं इसमें एक विशेषता तो आपको ध्यान रखनी है, नर सींग युक्त जबकि मादा सींग रहित, जबकि मादा सींग रहित, यानी बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी। नर में सींग पाए जाते हैं लेकिन मादा में सींग नहीं पाए जाते हैं, मादा सींग रहित होती है। जो शरीर होता है वो कैसा होता है, मध्यम आकार का होता है। कैसा होता है, मध्यम आकार का होता है। तो शरीर मध्यम आकार का, ठीक है। दो ही विशेषता इसमें ज्यादातर आपको ध्यान रखनी है, एक नर में सींग, नर सींग जबकि मादा सींग रही, और दूसरी शरीर मध्यम आकार का। चलो इसके बाद देखिए इसमें उपयोगिता क्या देखना है, इसके आगे इसकी उपयोगिता अपने को देखनी है। तो कराकुल का प्रयोग जो होता है वो मांस उत्पादन के लिए होता है। किसके लिए होता है, मांस उत्पादन के लिए होता है। इसके अलावा मांस उत्पादन के साथ साथ में ये किसके लिए पाली जाती है, पैंट के लिए पाली जाती है। किसके लिए पाली जाती है, पैंट के लिए पाली जाती है। ये पैंट क्या होता है भाई, यानी जो बात जो ऊन होती है उस ऊन के साथ में खाल जो होती है, यानी खाल सहित तो ऊन प्राप्त करना वो क्या कहलाता है, पैंट कहलाता है। यानी जो छोटे मेमने होते हैं उन छोटे मेमनों को मारकर क्या कह जाता है, खाल सहित तो ऊन प्राप्त की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, पैंट कहा जाता है। और इससे क्या बनाए जाते हैं, गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। देखा होगा जम्मू कश्मीर में क्या होता है, सर्दी पड़ती है तो जो टोपियां वगैरह बनाई जाती है, गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं, यानी कराकुल नस्ल के जो छोटे मेमने होते हैं उनको मारकर बनाए जाते हैं, यानी पैंट प्राप्त की जाती है, ठीक है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पैंट के लिए कौन सी नस्ल पाली जाती है, तो पैंट के लिए कराकुल नस्ल पाली जाती है। चलो इसके बाद नेक्स्ट नस्ल देख लेते हैं, और नेक्स्ट मैप पर देखते हैं मेरिनो। नेक्स्ट नस्ल कौन से देखते हैं, मेरिनो। चलो मेरिनो का उत्पत्ति स्थल या ओरिजिन पैलेस स्पेन। मेरिनो का ओरिजिन पैलेस कौन सा है, स्पेन। फिर बात करते हैं इसकी शारीरिक विशेषताओं की, इसकी बात कर रहे हैं शारीरिक विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तो देखो शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत पहली जो शारीरिक विशेषता बता रही है वो शरीर, यानी ये क्या होती है, एक मजबूत प्रकृति की होती है। क्या होती है, मजबूत प्रकृति की होती है। तो पहली शारीरिक विशेषता मजबूत प्रकृति की नस्ल। दूसरी जो विपरीत परिस्थितियां आती है उन विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां दूसरी विशेषता बता दीजिए, विपरीत कृषि परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता पाई जाती है। शरीर यानी उनको सहन करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। इसमें आपके मेरिनो नस्ल में विपरीत कृषि जलवायु परिस्थितियां है उनको सहन करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर बात करते हैं इसके रंग की, तो इसका रंग कैसा होता है, बिल्कुल व्हाइट होता है। कैसा होता है, बिल्कुल व्हाइट होता है। चेहरे पर क्या पाई जाती है, ऊन पाई जाती है।
आप क्या कहाँ पर चेहरे पर ऊन पाई जाती है, ऊन किसी होती है वाइट ऊन, ठीक है ऊन पाई जाती है। एक तो आपको बता दिया रंग कैसा होता है, सफेद होता है, दूसरा चेहरे पर ऊन पाई जाती है, तो तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, रंग भी इंपॉर्टेंट है, चेहरे पर ऊन भी इंपॉर्टेंट है, विपरीत कष्टी परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता ये भी इंपॉर्टेंट है, मजबूत प्रकृति की नस्ल ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी सारी विशेषताएं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट विशेषताएं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गर्दन है, जो गर्दन है, गर्दन व कंधों की, जो गर्दन व कंधों की जो त्वचा है उन पर सलवटें पाई जाती हैं, त्वचा पर सलवटें पाई जाती है, छोल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं सलवटें पाई जाती हैं, छोल्स पाए जाते हैं, तो गर्दन व कंधों की त्वचा पर क्या पाई जाती है सलवटें पाई जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट विशेषताओं की, यानी सींग की, तो नर में सींग घुमावदार होते हैं, नर में घुमावदार सींग, जबकि मादा सींग रहे, मादा सींग रहे होती है, नर में तो घुमावदार सींग पाए जाते हैं और नर उसमें मादा में सींग, मादा सींग रहित होती है, चेहरे पर ऊन पाई जाएगी, गर्दन और कंधों की त्वचा पर सलवटें पाई जाएगी, विपरीत कृषि परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता ज्यादा पाई जाती है, मजबूत प्रकृति की होती है, रंग सफेद होता है, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई शारीरिक विशेषताएं हो गई। उसके बाद देखिए उपयोगिता, उपयोगिता क्या, यहाँ से सिंपल सी बात है, ऊन प्राप्त करने को बहुत प्राप्त होगी, और वो कितने प्राप्त होती है 5 से 8 kg ऊन प्राप्त होती है, कितनी होती है 5 से 8 kg ऊन प्राप्त होती है अपने को प्रति वर्ष, और ऊन क्या होती है उत्तम क्वालिटी की होती है, ऊन उत्तम क्वालिटी की होती है, उत्तम गुणवत्ता की होती है, और ऊन उत्तम गुणवत्ता के होने के कारण ही तो अपने राजस्थान वाली जो चोकला थी उस चोकला को अपन ने क्या किया था इसका उपनाम दिया था, यानी चोकला की नस्ल की भी ऊन क्या थी अच्छी क्वालिटी की थी, जिसके कारण से अपन ने क्या कहा था राजस्थान की मेरिनो कहा था, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अपने मेरिनो के बाद में अभी कालीन या अभी वस्त्र, चलो आगे देखते हैं अभिवस्त्र, कौन से देखते हैं अभिवस्त्र, अब थोड़ा सा चलो इसको भी मैं साथ ही लिख देता हूं अभिकालीन, देखो CSWRI दोनों को पढ़ाने के लिए इस चीज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, CSWRI जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ चुके लेकिन फिर भी वापस बता रहा हूं, सेंट्रल सीप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल का मतलब केंद्रीय, सीप बेल वूल ऊन अनुसंधान रिसर्च संस्थान, और कहां स्थित है अभिकानगर मालपुरा टाउन, अभिकानगर मालपुरा टाउन, ठीक है। अब आ जाते हैं अभिवस्त्र अभिकालीन, नाम देखो कुछ समझ में आया, अविकालीन अविकानगर, अविवस्त्र अविकानगर, दोनों ही नस्लें यहां से विकसित है, कहां से विकसित है CSWRI से विकसित नस्लें हैं, ठीक है। एक चीज समझ में आ रही, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भेड़ की
अविका नगर मालपुरा टोंक से या कसवरी से विकसित नस्लें कौन कौन सी है? तो एक तो अविवासर और दूसरी अविकाली। क्लियर? चलो इसके बाद देखो अपने को अब देखना है इनका क्रॉस। दूसरी चीज यानी कौन कौन किस किस के संकरण से तैयार की गई है। तो मैं एक चीज आपको यहां और लिख देता हूं, चोकला, मेरिनो, मालपुरा, तीन नस्लें हैं। कौन सी नस्लें हैं? तीन नस्लें हैं। इन तीन नस्लों में मेरिनो ना, ठीक है, दोनों ही क्रॉस में मेरिनो को क्या रखा गया? नर रखा गया। क्या रखा गया? नर रखा गया। अब दोनों ही क्रॉस में मेरिनो को नर रखा गया तो किस किस के क्रॉस से क्या क्या विकसित तो होगा, इस चीज को समझना है। यहां देखिए अभी वस्त्र, अरे वस्त्र किससे, कौन सी क्वालिटी से तैयार करोगे? अच्छी क्वालिटी की ऊन से तैयार करोगे, और अच्छी क्वालिटी की ऊन इन दोनों से प्राप्त होती है, चोकला मेरिनो से प्राप्त होती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप कैसे भी याद कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक अच्छा सा तरीका बता दिया है। अब ये वस्त्र, वस्त्र अच्छी क्वालिटी के ऊन से प्राप्त करते हो, और अच्छी क्वालिटी चोकला और मेरिनो दोनों ही है, ठीक है। मेरिनो को अपन ने क्या रखा? नर रखा, यानी अभी वस्त्र का क्रॉस हुआ मेरिनो इंटू चोकला, मेरिनो इंटू चोकला, मेरिनो क्या है? नर है। आया समझ में? अब इसको रेम्बुलेट भी शब्द लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? रेम्बुलेट, ये भी आ सकता है, जरूरी नहीं आपको मेरिनो दे, रेम्बुलेट इंटू चोकला, ठीक है, ये चीज क्लियर। इसके बाद में दूसरा आता अविकालीन। अविकालीन एक ही चीज बच रही है, रेम्बुलेट तो है ही है, रेम्बुलेट तो है ही है, यानी मेरिनो का नर तो है ही, साथ में क्रॉस किससे करवाया? मालपुरा से करवाया। किससे करवाया? मालपुरा से करवाया। तो दोनों का क्रॉस, पहली चीज तो दोनों विकसित कहां से है? कसवरे से विकसित है। दूसरी चीज अभी वस्त्र का जो क्रॉस है वो क्या है? मेरिनो चोकला, और अभी कालीन का जो क्रॉस क्रॉस है वो क्या है? मेरिनो मालपुरा। आ गया समझ में? चल इसके बाद देखो, यानी अभी वस्त्र की ऊन कितनी प्राप्त होती है और अभी कालीन से ऊन कितनी प्राप्त होती है? तो अभी वस्त्र से अपने को 2 से 4 kg ऊन प्राप्त होती है, 2 से 4 kg ऊन प्राप्त होती है प्रति वर्ष। और जो आपके अविकालीन है, इस अविकालीन से अपने को 2.5 kg ऊन प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 2.5 kg ऊन प्राप्त होती है, ठीक है, प्रतिवर्ष है दोनों भी। यहां से 2 से 4 kg ऊन प्रतिवर्ष प्राप्त हो रही है, और अविकालीन से 2.5 kg ऊन प्रतिवर्ष प्राप्त होती है। दूसरी चीज आपके इसमें कालीन लगा शब्द लगा आ रहा है, तो एक चीज और बता देता हूं, हिंट दे देता हूं। जो कालीन होती है, कालीन का मतलब बिछाने के लिए अपन काम में लेते हैं ना, तो कालीन किससे तैयार करोगे? अविकालीन से ही तैयार करोगे। किससे तैयार करोगे? अविकालीन से तैयार करोगे, ठीक है। ये तो आपकी क्या हो गई, यानी अभी वस्त्र और अविकालीन हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपने बात करते हैं, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, परजीवियों का म्यूजियम। परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? तो परजीवियों का म्यूजियम क्या होता है? भेड़ होता है। क्या होता है? भेड़ होता है, यानी भेड़ में बहुत सारे परजीवी पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण से उसको क्या कह दिया? परजीवियों का म्यूजियम कह दिया। एक और क्वेश्चन बताना चाहो, बता, यदि आप याद करना चाहो तो उसको भी कर लेना। सबसे पहले क्लोन द्वारा तैयार की गई बेड कौन सी थी, यानी क्लोन के द्वारा तैयार बेड की नस्ल कौन सी थी? तो डोली बेड।